गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए दलिया, जिसे हम लोग खिचड़ी भी बोल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि छोटे बच्चों के लिए दलिया कैसे बनाते हैं। पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें दलिया, ये है दलिया, सिर्फ नॉर्मल दलिया है, मिक्स दलिया नहीं है। चार चम्मच, रेगुलर चम्मच से, जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं उस चम्मच से। ये मूंग दाल है, एक चम्मच मूंग दाल। ये मसूर दाल है, एक चम्मच मसूर दाल। ये कामिनी चावल है, इसको मीठा चावल भी बोलते हैं, जिससे खीर बनता है, एक चम्मच दाल। ये कैरोट है, चॉप कैरोट, इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका बच्चा कितना खाता है। ये पपीता है, कच्चा पपीता, इसको भी मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। पिंच ऑफ टर्मरिक, एकदम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्वाद के लिए जीरा पाउडर है, इससे थोड़ा उसका बच्चे लोग का खाना का फ्लेवर बढ़ जाता है। ये एकदम थोड़ा सा सॉल्ट है, एकदम एकदम लाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना एकदम कम, क्योंकि बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट वैसे। और इसे कुकर में डाल के हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। गैस की टोन चुका है, देखिए। अब इसको अच्छे से मैश कर देंगे इसी में। अब इसको इस ऐसे ग्लास से, किसी चीज़ से जिससे ये मैश हो सके, तो मुझे ग्लास से ही सुविधा होता है, तो मैं ग्लास से ही इसको इसी में ऐसा मैश कर देती हूँ। एक बड़ा छन्नी लेंगे, इस छन्नी से इसको छान लेंगे। इस तरह छानने के बाद ये सारा पानी इसमें आ गया है, और इसको थोड़ा और मैश करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी खा नहीं पाती है इस तरह से। तो ये बड़े बच्चों के लिए ठीक है, जो खा पाते हैं, जो निगल पाते हैं, पर मेरी बेटी निगल नहीं पाती, इसलिए इसको दोबारा हम मैश करेंगे इसमें। ये छन्नी आपको ऑनलाइन या किसी भी बर्तन के दुकान में आराम से मिल जाएगा। तो बाबू नहीं खा पाती है ना, बाबू तो अभी बहुत छोटी है, 6 मंथ प्लस हो रहा है उसका, अभी इतना छोटा है, वो निगल नहीं पाती है, उसको पतला सा पतला बना के देना पड़ता है। जो 8 मंथ एवब रहता है बच्चा, उसको डायरेक्ट खिला सकते हैं, 8 मंथ या 1 साल के बच्चे को आराम से खिला सकते हैं इस तरह से। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, दाल वगैरह रहता है, जिससे बच्चे को काफ़ी एनर्जी मिलता है, और उसे पेट भी उसका काफ़ी भरा रहता है। ये दिन में सिर्फ 1 बार खिला सकते हैं इसको, और अगर ज़्यादा करके दोपहर का टाइम में खिलाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों को। ये हो चुका है मैश, देखिए ये इस तरह का प्यूरी बन जाएगा। अब इसमें आप देसी घी या कोई भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करके बच्चों को, जो अगर बच्चा खा सके तो उसमें उसको खिला सकते हैं। दालों को इस बहुत पकड़ने से की है अभी। हाँ, बहुत, कोई भी चीज पकड़ लेती है। बच्चों को काफ़ी खाने का काफ़ी ये चाव होता है, नमकीन खाने का, तो ये काफ़ी अच्छे से खाते हैं छोटे बच्चे का।
अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।